कानपुर देहात में बीती रात से गायब एक किसान की खेतों में निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना लगते ही जिले के एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। वहीं पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ जांच में जुट गई। गजनेर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में नीरज जो कोसानी का काम करता था वो आजकल बीती रात से घर से गायब था। परिजनों के काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। वहीं जब ग्रामीणों ने सुबह उसकी लाश खेतों में पड़ी देखी तो गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों को जैसे ही सूचना लगी तो घर में चीख पुकार मच गई और मातम छा गया। वहीं हत्या की सूचना पर एसपी केशव चौधरी भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक नीरज के भाई ने बताया कि भाई नीरज कल शाम घर से शौच के लिए निकला था, फिर वो हमें आखिरी बार अपनी दुकान के पास दिखाई दिए। उसके बाद देर रात वो जब घर नहीं पहुंचा तो सब ने उसकी तलाश की लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। सुबह गांव वालों ने बताया कि नीरज की डेड बॉडी खेतों में पड़ी है। परिजन ने बताया कि गांव में कुछ लोगों से पुरानी रंजिश थी जिनके ऊपर शक भी जाहिर किया। फिलहाल पुलिस जांच कर घटना का जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है। एसपी केशव चौधरी ने खुद परिजनों से घंटों बात कर उनको आश्वासन दिया है और कहा है कि आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ये मजदूरी करता है और कल भी मजदूरी के लिए निकला था और इसके साथ एक अभिषेक सरकार नाम का लड़का साथ था